हरिओम, मैं सुजाता वीरा शिंदे, मानकापुर नागपुर हिंदी उपासना केंद्र। बापू के पास मैं 2012 से आई और आने से पहले बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल, हेल्थ ट्रबल खूब था, क्योंकि 4-5 साल हुए तो कुछ ना कुछ मेरा मेजर ऑपरेशन होना है। मेरा पीठ का लंबर 4 और 5 में कॉन्जेनेटल डिफेक्ट है, उसका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ओपन करने के बाद देखते हैं कि लंबर 4 और 5 ऐसा जुड़ा हुआ रहता है, वो जुड़ा नहीं है, ऐसा है, और वो भी ऐसा रहता है रीढ़ की हड्डी एक के ऊपर एक, 4 और 5 ऐसा है। तो ये जो हड्डी जटिंग आउट था, इसमें से स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा टेंशन में आ रहा था करके मुझे बहुत पेन होता था। फिर उसका ऑपरेशन हुआ, ये काट के इतना जटिंग आउट पोर्शन फेंक दिया और इतने पोर्शन पे मेरा पूरा टॉर्सो है। और डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बताया कि इनको अगर ज़ोर से झटका पड़ता है या एक्सीडेंट में झटका पड़ता है तो इनका लकवा मार सकता है, क्योंकि वो हिल जाएगा तो लकवा मारेगा। और जब ये ऑपरेशन हुआ तब मेरा बेटा 1 साल का और मेरी उम्र 27 ईयर्स की, पूरी ज़िंदगी पड़ी थी सामने। डॉक्टर ने मुझे बोला आपको बेल्ट पहनना है। 12वें दिन मैं जैसे वॉकर लेके चलना शुरू की तो मुझे लगता था यहाँ से यहाँ तक भी चलूँ तो लगता था मैं हिमालय चढ़ के आई हूँ इस कंडीशन में, पर चलती गई मैं। और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, लेकिन मुझे कोई स्कूल में मैं नौकरी नहीं कर पाती क्योंकि मैं खड़े नहीं रह सकती बहुत देर तक, मुझे बैठना पड़ता है। तो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में अलग अलग जगह पढ़ाती हूँ मैं। उसके बाद 2010 में ये फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण बीच में से मैं टीचिंग से हट जाके मैं इंश्योरेंस की 6 साल खूब टेंशन के मारे मुझे हाइपर एसिडिटी होते 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 वो गॉल ब्लैडर स्टोन में कन्वर्ट हुआ। एक दिन अचानक पेट में बहुत दुखा उस वक्त, और मेरे पापा आए और मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए। पूरा सोनोग्राफी वगैरह करने के बाद पता चला कि गॉल ब्लैडर स्टोन बिल्कुल गॉल ब्लैडर के मुँह पर हो गया है और वो अंदर पूरा पस हो गया था और उसे लीवर भी इफेक्ट हो गया था। तो इमीडिएटली ऑपरेट करके गॉल ब्लैडर निकाल लिया गया। इस तरह से मुझे आदत थी। अब अगला जो मुझे 3 साल बाद ये ट्रबल चालू हुआ वो था पाइल्स का और फिशर्स का। अभी वो चल ही रहा कि पिछले साल सितंबर 1, 2015 में एक दिन अचानक रात को मुझे सपना दिखता है। अब मुझे आदत हो गई थी ऐसे बीमारी के सपने देखने की, तो मुझे सपने में दिखा कि मुझे कैंसर हो गया है। चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते तुमको छोटी मोटी बीमारी तो होती नहीं। अब वो सपने में मुझे दिखा कि मुझे कैंसर हो गया है, लेकिन सोचने वाली बात कि मुझे थोड़ी देर बाद आई दिखी नंदाई मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी कि बेटा तुमको कीमोथेरेपी करना है, रेडिएशन लेना है। अब ये सब सुन के मैं तो ज़िंदगी भर परेशान रही हूँ हेल्थ के बारे में, नहीं आई मैं कुछ नहीं कराऊँगी, मेरे को मरने दो और आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि मेरे पास टाइम कितने हैं। तो बोले बेटा 1.5 साल है। और वो चेयर पे बैठ गई, इस तरह से बैठी थी और मैं नीचे बैठ के मेरा सर उनके गोद में था और मैंने उनको बिल्कुल आलिंगन किया और मैं रोने लगी कि मेरा बेटा तो अभी भी शादी लायक नहीं हुआ है, इस घर में कोई औरत नहीं आएगी तो घर कैसे चलेगा। तो नंदाई मुझे एक ही बात बोल रही थी कि बेटा 1.5 साल बाद तुमको मेरे पास आना है। और मेरी नींद खुल गई, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मेरे हस्बैंड को बोली ये सपना, वो भी बहुत डिस्टर्ब हो गए। लेकिन हुआ ये कि 8-10 दिन में हमको मुंबई आना था, तो हम बोले कि चलो ठीक है दादा से ये बात का जिक्र कर लेंगे। पहले तो लगा ये छोटी सी बात क्या दादा को बोलूँ, पर आई का दर्शन बहुत दुर्लभ है, आई सपने में आई, इसलिए इस बात का मेरे को लग रहा था कि हमने जिक्र करना चाहिए। हमने दादा से अपॉइंटमेंट ली, दादा से बोला ये बात, दादा ने सुनते साथ मैंने कहा दादा चूँकि आई थी सपने में इसलिए मैं इस बात को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। दादा ने इमिजिएटली बोला कि आप शुभंकर स्तोत्र और अशुभनाशिनी आज से ही चालू कर दो और आपको 11 वेंकटेश याग जुई नगर में करना है। तो मैंने फ़ोन करके उनको पूछा, वो बोले नहीं बोला है तो करेंगे। अक्टूबर मेरे ख्याल से 23 अक्टूबर 2015 को हमने ये याग किया अपॉइंटमेंट लेकर के, और याग जिस दिन था उस दिन दोपहर को 1 बजे हमको अपॉइंटमेंट मिला था याग के लिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को अनाय से बोली कि चलिए हम सवेरे गुरुक्षेत्र में जाते हैं 8 बजे।
तो हम 8 बजे कुरुक्षेत्र में गए, तो सवेरे का टाइम बहुत शांत होता है और बहुत अच्छा लगता है कुरुक्षेत्र में। हम आके बैठे, पीछे जो रेलिंग है उसको टिक के मैं बैठी थी। थोड़ी देर बाद, बस 5-10 मिनट बाद ही आई दिखी आते हुए, वॉकिंग से वो आई थी, और वो साइड वाले गेट से वो ऐसे झांक के देखी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। लोग ज़्यादा नहीं थे, 6-7 लोग थे, उनमें से वो किसी को ढूंढ रही थी। जैसे उनका नज़र मेरे ऊपर पड़ा, वो स्माइल करी और निकल गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चलो आई का दर्शन तो बहुत दुर्लभ है लेकिन आज हो गया। फिर मैं जुईनगर में जब याग करने गई तो देवेंद्र सिंह देवलेकर, इन्होंने हमारा याग किया। फिर ब्रेक में मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कि ये याग मैंने हमको क्यों बताया गया, क्योंकि ऐसा ऐसा मुझे सपना आया था। तो बोले आपके ऊपर से बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है। तो मुझे याद आया कि ये कोइंसिडेंस तो बापू कहते हैं कुछ भी नहीं होता है, और आज के दिन ही सुबह मुझे सूचना कि कुरुक्षेत्रम चलो, और आज के दिन ही आई का दर्शन, इसमें ज़रूर कुछ मायने हैं। खैर दूसरे दिन सुबह फिर मैंने इनसे बोला कि कुरुक्षेत्रम चलेंगे सवेरे, आई का दर्शन शायद फिर हो जाए। मन में लालच तो रहती है आई और बापू को देखने की, दादा की को भी। तो हम लोग फिर आ गए सुबह, और मैं बैठी थी, फिर से आई 10 मिनट में आई। इस बार भी वो साइड डोर से आई, लेकिन इस बार वो स्माइल नहीं करी, उसने जरा जस्ट मेरी तरफ देखा और चली गई। बाद में मैं जब सोची कि देखो याग के पहले और बाद में दोनों बार एक पूरा काम जो होता है ना, वो कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करके गई आई, कि पहले भी दर्शन दिया, याग के बाद भी दर्शन दिया, कि अब तुम्हारे ऊपर से सारी मुसीबत बलाएं टल गई है। ऐसा सिर्फ मेरी आई और बापू ही कर सकते हैं। हरिओम, श्री राम अम्बद्न्या।